हम एक भरवाड़ के पास गए, उससे हमने बात की, एक प्रकार से उसका इंटरव्यू लिया, रिकॉर्ड नहीं किया हमने, लेकिन उससे मैंने थोड़ा इंटरोगेट किया, उससे पूछा कैसे दिनचर्या है, क्या करते हैं आप। तो वो मुझे एक चीज यहाँ से इससे संबंधित बता रहे थे, रात में 12 बजे से 2 बजे तक उनकी गाय चरती है, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ट्रैवल करते हैं ऐसे ही गायों के साथ, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, जमीन पे सोते हैं, जमीन पे, खुले खेत में। और वो बताया मुझे, मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, लगभग 15-16 साल से वो ये काम कर रहे हैं, गाय को चरा रहे हैं 15-16 साल से। और रात में बता रहे थे कि 12 से 2 भी मैं चराने जाता हूँ। तो मैंने बोला आपको दिखता क्या है, बोलते कुछ नहीं दिखता है। और ऐसे जंगल में, और ऐसे नहीं कि नोन प्लेस है, ये तो हमारी नोन प्लेस है, हमें पता है, अगर लाइट भी नहीं तो हमें एक अंदाजा तो है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम रोज यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं। और वो लोग जाते हैं एकदम अननोन प्लेसेस में, मतलब कहीं भी, एनीवेयर, जहाँ गाय ले जाए। तो रात में वो लोग जाते हैं 12 से 2, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना अंधेरा होता होगा। आप अभी यहाँ रुके ना आज, तो आप यहाँ आके बताइए मुझे 12 से 2, आप आ ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो लोग जाते हैं, गाय को फॉलो करते हैं बस वो, और भगवान भरोसे। मैंने कहा आपको डर नहीं लगता, इतने सारे सांप होंगे यहाँ पे? तो बोले अरे सांप से क्या डरना है, वो तो मरना है तो वो तो कभी भी भगवान ले जाएंगे। वो इतना आसानी से मुझे बोल दिया, उत्तर दिया उसने, उसे क्या डरना है भाई सांप से, ये तो हमारा काम है भाई, ये तो करना ही है, उसमें मर गए तो मर गए, है ना। भगवान ने अर्जुन को बोला ना, मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए मर जाओ। तो हम लोग वैसे यहाँ पे आए हैं तो हमारा उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है। ये दैव वर्ण आश्रम है, ये केवल वर्ण आश्रम नहीं है, ये दैव वर्ण आश्रम है, मतलब इसमें भक्ति एडेड है, मतलब उद्देश्य विष्णु, भगवान को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना। इसीलिए एक कोऑपरेटिव समाज का निर्माण किया, ये सब भक्त लोग एक कॉमन जगह पे आके रहें, ताकि वो सब जो विसंगतियां उनसे बच सके हम, है ना। जैसे कि आप बाय डिफॉल्ट वहां पे असत्संग करते ही होंगे, बाय डिफॉल्ट आप कॉलेज जाते हैं तो आपके साथ कोई सभी ब्रह्मचारी बैठ के तो नहीं वहां पे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तिलक विलक भी नहीं करते होंगे, तो वो उल्टी सीधी बातें बोलते होंगे, फोन में कुछ करते होंगे, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है ना वहां पे, खतरा है ना, और हमेशा भक्ति का वातावरण भी नहीं है। तो ये एक अनुकूल वातावरण उपस्थित होता है यहाँ पे, सब भक्त कॉमनली मिलके आए और उनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, इसको कहते हैं दैव वर्ण आश्रम व्यवस्था, है ना। तो यहाँ पे अपना काम करते करते जाना तो है ही, तो ठीक है चले गए। अभी कोई बोलेगा कि भाई आप लोग मान लो यहाँ आए और कोई बैल वेल ने मार दिया तो मर गए, तो क्या हो गया भाई, मर गए तो आप लोग तो वहाँ, तो हम क्या भक्त लोग क्या मरते नहीं है क्या? भक्त भी मरते हैं, मरता शरीर है ना, तो शरीर तो सबका ही मरने वाला है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, उसमें विशेष हम सांप को क्यों पकड़े हुए हैं, छोड़ दीजिए उसको भी घूमने दीजिए।